हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी बाइक पे जो क्लच है वो क्लच पे कंट्रोल कैसे करें। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको बाइक को स्टार्ट करना है। बाइक अभी न्यूट्रल गियर में है, बाइक स्टार्ट हो गई और उसके बाद जो एक क्लच है उसको दबाना है और फर्स्ट गियर डाल देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे समझने की बात एक ही है कि जो क्लच है वो इतना छोड़ने तक गाड़ी आगे मूव नहीं होती। मैं बिना एक्सलेटर दिए, ये हाथ मेरा ये है और आप देख सकते हैं मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ तो गाड़ी यहाँ से आगे बढ़नी शुरू हो जा रही है। जहाँ से गाड़ी ये आपकी आगे मूव होने के लिए हो रही है वहाँ पे आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। इस वाले पॉइंट को बोलते हैं बाइटिंग पॉइंट। क्लच का जो बाइटिंग पॉइंट होता है, जहाँ से आपकी गाड़ी आगे मूव होने लगती है, उसको क्लच का बाइटिंग पॉइंट बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको करके दिखाते हैं। अभी गाड़ी फर्स्ट गियर में है, मैं क्लच दबा के स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये गाड़ी आगे मूव होने लगी। अगर मैं यहाँ से गाड़ी क्लच को ऐसे झटके से छोड़ देता हूँ तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। तो फिर से देखिए दोस्तों, अगर मैं झटके से छोड़ता हूँ तो गाड़ी बंद हो जाती है, लेकिन अगर मैं इसी क्लच को ऐसे स्मूथली छोड़ के और जहाँ से गाड़ी आगे बढ़नी शुरू हो जाती है, हल्की सी एक्सीलेटर दे के क्लच पूरा छोड़ दूँ तो गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। फ्रेंड्स दोबारा ट्राई करते हैं। यहाँ तक छोड़ने पे गाड़ी पे कुछ असर नहीं पड़, लेकिन यहाँ से मैं जैसे ही छोड़ रहा हूँ गाड़ी आगे आगे अपना मतलब इंजन की पावर गाड़ी को आगे धकेल लिए, मतलब यहाँ से जो गाड़ी का लोड है वो इंजन पे पड़ना शुरू हो जा रहा है। यहाँ से आपको वैसे हल्का सा एक्सीलेटर देना है और क्लच को धीरे धीरे छोड़ देना है। अब ये देखिए दोस्तों, मैं हल्की एक्सीलेटर दे रहा हूँ और मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया तो गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रही है। फिर रोकने के लिए क्लच दबाया और ब्रेक दबा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड, इसको फिर से समझते हैं। गाड़ी स्टार्ट है, फर्स्ट गियर में है और मैंने अभी एक्सीलेटर नहीं दिया है। तो ये देखिए फ्रेंड, अगर मैं हाफ क्लच पर रखता हूँ तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बिना एक्सीलेटर दिए आगे बढ़ रही है, लेकिन जो ही मैं क्लच पूरा छोड़ देता हूँ तो गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि इंजन की जो नॉर्मल स्पीड है वो हाफ क्लच पे तो गाड़ी को आगे ले जाती है, लेकिन अगर आप गाड़ी का पूरा लोड इंजन पे डालोगे और इंजन का आरपीएम कम है तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो बंद हो जाएगा। तो एक बार फिर से आप समझिए इस चीज़ को। आपको सिर्फ एक्सीलेटर इतना देना है, हल्का सा आगे गाड़ी को स्मूथली आगे मूव करने के लिए आपको 1000 और 2000 के बीच में आरपीएम पे अपना इंजन चलाना है और वैसे क्लच को हल्के से छोड़ देना है तो आपकी बिना गाड़ी बिना बंद हुए आगे खिसक जाएगी। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो अभी मेरे साथ कोई बैठा हुआ नहीं है, गाड़ी पे लोड नहीं है ज़्यादा और गाड़ी अभी सीधी जगह पर है, तो इसमें आपको हाफ क्लच में और हल्का सा एक्सीलेटर देने से ही आपकी गाड़ी आगे मूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप जब चढ़ाई पे हो और आपके साथ पीछे से कोई बैठा हुआ हो तब आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उस टाइम ब्रेक का भी ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी गाड़ी पीछे ना खिसके और क्लच कंट्रोल भी आना चाहिए और साथ साथ एक्सीलेटर का तालमेल भी आना चाहिए। देखिए फ्रेंड, इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम इसको स्मूथली ऐसे उठा रहे हैं, गाड़ी आगे मूव हो रही है, और दूसरा ये है कि हम एक्सीलेटर भी दे रहे, हम तेज एक्सीलेटर दे के क्लच को भी छोड़ दे तो ऐसे में भी आराम से उठ जाती है। जैसे मैं एक्सीलेटर दे रहा 3000 के करीब, ऐसे में भी गाड़ी उठ रही है। लेकिन इसमें यह है कि जब आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है तभी ऐसा करना चाहिए। जैसे मैं अभी स्मूथली उठा सकता हूँ क्योंकि मैं सीधे पे हूँ और मेरी गाड़ी में कोई लोड नहीं है, तो मैं ऐसे क्लच छोड़ा और हल्का सा एक्सीलेटर दिया तो क्लच मैंने पूरा छोड़ दिया, गाड़ी चल रही है 6 की स्पीड पे। फिर मैं रोकने के लिए ब्रेक दबा देता हूँ। तो अभी जैसे देखिए फ्रेंड, अगर मैं एक्सीलेटर ज़्यादा देता हूँ और क्लच नहीं छोड़ता तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि क्लच दबने से इंजन और गाड़ी का जो संपर्क है वो हट जाता है। और अगर मैं एक्सीलेटर दूँ, ज़्यादा एक्सीलेटर दूँ और क्लच के बाइटिंग पॉइंट तक क्लच को ले आऊँ तब भी गाड़ी आगे मूव होती है, लेकिन कभी भी क्लच को ज़्यादा तेज़ नहीं छोड़ना चाहिए। क्लच को स्मूथली छोड़ें, उससे आपकी क्लच प्लेट पर भी कम असर पड़ेगा। अगर मैं क्लच को तेज़ी से छोड़ लेता हूँ और एक्सीलेटर तेज़ देता हूँ, भले गाड़ी ऐसे में बंद नहीं होगी लेकिन आपके क्लच प्लेट पर असर पड़ेगा। अभी ट्राई करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गाड़ी पर झटका लगा, इस झटके का असर फ्रेंड्स आपके चैन पॉकेट पे और आपकी क्लच प्लेट पे पड़ता है। तो आपको क्लच कंट्रोल आना चाहिए,
क्योंकि अगर आप बाइक सीख रहे हैं तो मेन होता है क्लच कंट्रोल आना, क्योंकि क्लच और एक्सीलेटर का जो तालमेल है उसे समझने के लिए गाड़ी को फील करना पड़ता है कि आपकी गाड़ी कब बंद होने वाली है। लेकिन जब आप एक बार इस चीज़ में परफेक्ट हो जाएं तो आपको बाद में पता भी नहीं चलेगा कि आप कभी इस चीज़ को सीखते थे कि मैं हाफ क्लच करूँ या कुछ करूँ। आप अगर याद रखोगे कि मैं यहाँ तक डेली छोड़ूंगा क्लच और उसके बाद एक्सीलेटर दूंगा, तो ऐसे में तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप सीख पाओगे बाइक। तो इसके लिए आपको ये करना है कि इसको डेली प्रैक्टिस में लेना है। एक्सीलेटर ये दिया और ये छोड़ा, इस हाथ को ऐसे होना चाहिए और इस हाथ को ऐसे होना चाहिए, ऐसे। और हमेशा ख्याल रखें फ्रंट ब्रेक का, फ्रंट ब्रेक बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। काफ़ी लोग फ्रंट ब्रेक को मारने के लिए अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फ्रंट ब्रेक मारने से गाड़ी नीचे गिर जाती है, लेकिन मैं इसकी भी सेपरेट अलग वीडियो बनाऊंगा कि फ्रंट ब्रेक को कैसे दबाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्लच के बाइटिंग पॉइंट को समझिए जिससे आपको क्लच कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी हो। यहाँ तक आप जोर से भी छोड़ें क्लच तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन जहाँ से गाड़ी मूव हो रही है वहाँ से अगर तेज़ी से छोड़ देता हूँ क्लच तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए गाड़ी पे झटका लगा, गाड़ी बंद हो गई। तो इसके लिए करना ये है, कुछ नहीं करना आपको, हल्का सा एक्सीलेटर, हल्का सा, ये इतना देख लीजिए फ्रेंड, ये इतना है, इतना एक्सीलेटर, जो 2000 से भी कम का एक्सीलेटर चाहिए, 2000 RPM से भी कम का एक्सीलेटर चाहिए। इतने एक्सीलेटर पे आप अगर छोड़ देते हैं तो सीधे गाड़ी आगे मूव होने लगती है, और जो ही गाड़ी आपकी अगर आगे मूव होने लगती है उसके बाद आप आराम से क्लच को पूरा छोड़ सकते हैं। ये देखिए मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया, गाड़ी आगे मूव हो गई। तो इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपने अभी अभी बाइक सीखना स्टार्ट किया है तो मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम काफ़ी आई होगी आपको बाइक चलाते टाइम। अगर आपको क्लच कंट्रोल समझ आए तो कमेंट में आप बता सकते हैं। ऐसी जानकारी और पहाड़ों में मोटो ब्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पहाड़ी बाइकर को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राइड सेफ एंड गुड बाय फ्रेंड्स।